तो मैं पहले यहाँ पर रैम, प्रोसेसर, सीपीयू, जीपीयू और इसके अलावा यहाँ पर 32 बिट और बिट और i3, i5 इन सभी के बारे में हमने यहाँ पर वीडियो बना रखा है और हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कैश मेमोरी क्या होती है। तो आप देख रहे हैं टेक वृंदावन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कैश मेमोरी आखिर होती क्या है? तो देखिए, जो कि आपका यहाँ पर कंप्यूटर होता है उसमें तीन तरह की मेमोरी लगी होती है। पहला होता है हम लोगों का स्टोरेज, जो कि हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, और दूसरा होता है यहाँ पर रैम, और तीसरा यहाँ पर होता है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी आखिर यहाँ पर सबसे फास्ट होती है और यहाँ पर जो कि कैपेसिटी है, कैपेसिटी में बहुत ही कम होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कितने टाइप को आपको कैश मेमोरी देखने को मिलती है। तो नॉर्मली आपको यहाँ पर तीन टाइप देखने को मिल जाते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो यहाँ पर जो कि आपका प्रोसेसर होगा वो आपको यहाँ पर डुअल कोर होगा या फिर क्वाड कोर होगा या फिर ऑक्टा कोर होगा। तो देखिए, हर एक कोर जो दो मेमोरी होती है सेपरेट होती है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल पर जो कि लेवल 1 का कैश है वह सबसे तेज होती है, बहुत ही फास्ट होती है, वह जो कि प्रोसेसर है उसके अंदर ही बनी होती है। और लेवल 2 जो कि होता है वह प्रोसेसर के अंदर भी हो सकता है या फिर प्रोसेसर के नज़दीक एक सेपरेट IC पर होगी। और यहाँ पर जो कि प्रोसेसर है और IC, इनके बीच एक हाई स्पीड का बस होगा जिससे प्रोसेसर डायरेक्टली काफ़ी तेज़ी से एक्सेस कर पाएगा। लेवल 3 कैश एक सेपरेट मेमोरी होती है, यह करीब करीब रैम से डबल स्पीड की होती है। और यहाँ पर जो कि लेवल 3 कैश है यह सभी कोर्स के बीच शेयर होती है। अब आप जान गए होंगे यहाँ पर कैश के टाइप के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कैश यूज कैसे होता है, कैसे यहाँ पर काम आता है। तो इनके बारे में दोस्तों, मान लीजिए आप अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, अपने डेस्क पर कुछ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कि बैक रूम है, बैक रूम में सभी फाइल्स यहाँ पर स्टोर हैं। और किसी भी फाइल को यहाँ पर जरूरत पड़ती है तो आप जाते हैं बैक रूम से, यहाँ पर सभी फाइल्स को यहाँ पर ला करके अपने डेस्क पर रख करके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो कि आपका डेस्क है, डेस्क में जो कि ड्रॉर्स बने होते हैं वह आपके जो कि काफ़ी नज़दीक होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी एक्सेसिबल होते हैं। तो ऐसा मानिए कि जो कि आपका यहाँ पर कंप्यूटर होता है उसमें जो कि आपका बैक रूम हमने बताया हुआ स्टोरेज हो गया, और जो कि हमने डेस्क बताया हुआ रैम हो गया, और जो कि यहाँ पर हमने ड्रॉअर्स बने होते हैं तो ऐसा मानिए कि वह कैश मेमोरी हो गया। तो जब कभी भी आप काम करने जाते हैं तो यहाँ पर अपना जो कि ड्रॉअर्स है उसको खोलते हैं और अपना काम कर लेते हैं। अब उन ड्रॉअर्स में आप ऐसे चीज़ को रखते हैं जो कि काफ़ी यहाँ पर जरूरत, बार बार यहाँ पर जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट हो गया, कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो गया, या फिर कोई यहाँ पर स्टेपलर हो गया, पेन हो गया, तो इन सभी चीज़ को आप उस ड्रॉअर्स में रखते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर में CPU को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे डाटा को यहाँ पर रीड राइट करना पड़ता है। कैश मेमोरी वह सभी फ्रिक्वेंट यूज, जिनकी जरूरत बार बार पड़ती है, वैसे डाटा को अपने पास स्टोर रखती है। और जब कभी भी कंप्यूटर को यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना हो तो वह रैम में नहीं जाएगी, वह सबसे पहले यहाँ पर कैश मेमोरी में ट्राई करेगी। अगर वह फाइल कैश मेमोरी मिल जाती है तो यह प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाती है, वह वहीं से इंस्ट्रक्शन पिक करके वह एग्जीक्यूट कर लेगा, वह वहीं से रीड राइट कमांड दे सकता है। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक इंपॉर्टेंट फाइल की, जब एक इंपॉर्टेंट चीज़ की यहाँ पर जरूरत पड़ती है तो वह कैश मेमोरी में नहीं होती, या फिर हमने सोचा कि यहाँ पर ड्रॉअर में होगा और ड्रॉअर में वह चीज़ नहीं होती है, तो ऐसे में हम लोग को यहाँ पर डिले फेस करना पड़ जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर कैश लेटेंसी बोलते हैं, क्योंकि वह फाइल यदि यहाँ पर कैश मेमोरी में नहीं होती है तो वह रैम में जाएगा, रैम में नहीं होती तो वह स्टोरेज में जाएगा। ज्यादातर हमको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वह होता है i3, i5, i7 या फिर i9। तो इनमें आपको यहाँ पर 2 MB, 3 MB, 6 MB, 8 MB और 12 MB और यहाँ तक कि 16 MB तक की आपको कैश मेमोरी देखने के लिए मिल जाती है। तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे यह तो साइज बहुत छोटी है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे फाइल्स को, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को, बहुत सारे यहाँ पर रीड राइट कमांड को स्टोर करके रख सकती है, बहुत सारे फाइल्स को जो कंप्यूटर को जल्दी जल्दी जरूरत होती है, जो CPU को बहुत जल्दी जल्दी जरूरत होती है, उनको स्टोर करके उस प्रोसेस को काफी फास्ट बना देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे जो कि यहाँ पर फोन में आपको यहाँ पर कैश मेमोरी देखने को मिलती है वह क्या चीज़ है। तो देखिए, अभी तक हमने जो भी यहाँ पर कैश मेमोरी की बात की वह सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर के कैश मेमोरी की थी, और यहाँ पर जो कि आपको यहाँ पर फोन में देखने के लिए मिलता है वह एक अलग चीज़ है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो बना चुके हैं, जो कि कैश मेमोरी होती है, कहाँ से आती है, किस तरह से आती है, वह आती है कुकीज़ की वजह से। और कुकीज़ के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आई बटन में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लीजिए यूट्यूब पर आपने एक वीडियो डाउनलोड किया, तो वह वीडियो आपके जो कि स्टोरेज है उसमें परमानेंट स्टोर नहीं रहता है। आपने जब यहाँ पर अपने फाइल को खोलते हैं या फिर गैलरी में जाते हैं तो वह वीडियो वहाँ पर स्टोर नहीं रहता, वह कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और वहाँ पर वह कुछ दिनों के लिए स्टोर रहता है, उसके बाद वह ऑटोमेटिक यहाँ पर डिलीट हो जाता है। या फिर आपने कोई यहाँ पर वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आपने किसी कुकीज़ को अलाउ किया तो वह आपके जो कि ब्राउजर है उसमें एक छोटा सा फाइल को इम्प्लॉन्ट कर देगा, छोटा सा फाइल यहाँ पर ड्रॉप कर देगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर वह कैश मेमोरी धीरे धीरे यहाँ पर स्टोर हो जाती है। यदि आप कैश मेमोरी को क्लियर करते हैं तो वह सभी यहाँ पर जो इतने भी यहाँ पर फाइल स्टोर हैं वह सभी डिलीट हो जाएंगे। यदि कैश डाटा को क्लियर कर देते हैं तो जितना भी आपका यहाँ पर ब्राउजर हिस्ट्री है, जो भी आपने उस ब्राउजर में यूज़ किया, वह सभी चीज़ यहाँ पर डिलीट हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप लैपटॉप या कोई सिस्टम या फिर कंप्यूटर खरीदते समय आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर कैश मेमोरी
मेमोरी कितनी मिले हुआ, जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी होगी आपके लिए। तो हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप जान गए होंगे कैश मेमोरी क्या होती है, कितनी स्पीड होती है, किस तरह से यूज होती है, कितने लेवल होते हैं, तो इन सभी के बारे में और जो कि स्मार्टफोन में जो कि मोबाइल फोन में एप्लीकेशन के थ्रू कैसे आती है, वह कहाँ से आती है, किस तरह से यहाँ पर इम्प्लांट होती है, तो इन सभी के बारे में आप जान गएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।